हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक खास बात है, यहाँ के लोकतंत्र में जो राजनेता हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की पालना भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो आखिर वो संविधान जो जिसकी शपथ खाते हैं राजनेता, वो संविधान है कहाँ, वो संविधान की मूल प्रति है कहाँ? इसी को तलाशने के लिए आप और हमारे तरह ही एक जागरूक नागरिक तरुण अग्रवाल ने भरपूर कोशिश की और तकरीबन 1.5 साल बाद उनको ये बताया गया कि आखिर संविधान की मूल प्रति छुपी हुई कहाँ पर है। तो मैं आपको तरुण अग्रवाल से मिलाता हूँ। तरुण अग्रवाल हैं, आरटी एक्टिविस्ट हैं, जागरूक नागरिक हैं, लगातार उपभोक्ताओं के हित में काम करते आ रहे हैं। तरुण जी, ये बताइए कि संविधान की मूल प्रति जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुककर नमन भी किया था, क्या वो असली प्रति थी या नकली प्रति थी? और उसके बाद ये बताइए कि संविधान की असली प्रति आखिर है कहाँ पर? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने पिछले साल सवा साल पहले करीब एक सूचना के अधिकार में आवेदन भेजा गृह मंत्रालय, क्योंकि मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि भारत का संविधान आखिर है कहाँ और कैसा दिखता है भारत का संविधान, क्योंकि हमने सुना ही था कि भारत का जो मूल संविधान है हस्तलिखित है और उसके अंदर कलाकृतियाँ बनी हुई है, चित्रकारी है, कई तरह के, जैसे गीता में जो ज्ञान दिया था अर्जुन का रथ है वो बनाया हुआ है। तो एक उत्सुकता थी मेरे मन में उसको देखने की, तो मैंने एक सवा साल पहले आरटीआई गृह मंत्रालय में भेजी। मैंने उस वहाँ से जवाब आता है कि हमारे पास नहीं है ये, और वो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया कानून मंत्रालय में। कानून मंत्रालय से जवाब आता है कि हमारे पास भी नहीं है, उसको संसदीय कार्य मंत्रालय में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से कोई जवाब मुझे नहीं मिला। हताश होकर मैंने फिर एक वापस नए सिरे से आरटीआई लगाई प्रधानमंत्री कार्यालय, वहाँ से 3 जगह ट्रांसफ़र करी मेरी एप्लीकेशन को, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय। संसदीय सचिवालय से जवाब आ गया हमारे पास नहीं है, राज्यसभा सचिवालय से आ गया हमारे पास नहीं है। मेरे को फिर परेशानी हुई, मैंने कहा कि है कहाँ, लेकिन इंतजार किया मैंने कि जरूर लोकसभा सचिवालय में होनी चाहिए क्योंकि उनका जवाब आना बाकी था। अंत में जब लोकसभा सचिवालय से जवाब आया तो मुझे जानकारी हो गई कि हमारा जो मूल संविधान है वो संसद भवन के अंदर हीलियम गैस के अंदर संरक्षित और सुरक्षित रखा हुआ है, और ना तो उसको खोला जाता है, ना किसी को उपलब्ध कराया जाता है, ना दिखाया जाता है। दूसरा ये बताया कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी नमन करके जो गए थे वो मूल संविधान नहीं था, उसकी प्रतिकृति थी, उसी की एक कॉपी थी, उसी को नमन करके वो संसद भवन में गए थे। तो आखिरकार मुझे जवाब मिल गया कि हमारा देश का संविधान है कहाँ, लेकिन जवाब तो मिल गया मेरे को, लेकिन आज देखने को नहीं मिला। मेरी उत्सुकता तो वही की वही है कि आखिर हमारा देश का मूल संविधान था कैसा, वो आज भी मेरे लिए एक उत्सुकता बनी हुई है। अच्छा तरुण जी, एक बात बताइए कि हीलियम गैस आप बता रहे हैं ना, हीलियम गैस में आखिर मूल संविधान को रखा क्यों गया है, किस कारण से रखा गया है, क्या ये बता पाएंगे आप? हाँ, जहाँ तक ये है, क्योंकि ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इससे अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज भारत में हो नहीं सकता, और इसी पे सारे देश का कानून, रीति नीति सब इसी पे हमारे चलता है। तो इसलिए क्यों कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, किसी को उपलब्ध करा दें कि उसको छेड़ें तो वो नष्ट ना हो जाए, इसी को देखते हुए उसको नहीं किया गया है। इतना ज़रूर है कि इसकी प्रतिकृतियाँ हैं, हूबहू इसकी कॉपी है, जो न्यायाधीश महोदय हैं एकदम उनके पास भी है और बाहर है, और अक्सर हम लोग मीडिया के थ्रू देखते भी हैं, तो वो है, लेकिन मूल दस्तावेज वहीं पर ही है। तो जागरूक नागरिक तरुण अग्रवाल ने आखिर यह पता लगा ही लिया है कि भारत के मूल संविधान की प्रति लोकसभा सचिवालय ने जो जानकारी दी है वो लोकसभा के अंदर मौजूद है, संसद के अंदर मौजूद है, और हीलियम गैस का एक कांच की शीशी के तौर पर डब्बा बना हुआ है उसके अंदर रखी गई है, जिससे कि जो शब्द लिखे गए हैं, जो अक्षर वहाँ पर अंकित हैं, जो कृतियाँ उसमें मौजूद हैं वो नष्ट ना हो, इसीलिए उसको हीलियम गैस के अंदर रखा गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस संविधान की मूल प्रति को नतमस्तक किया था वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी थी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनपीटीवी इंडिया, अजमेर।